थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। आज के हवाले से रिगार्डिंग द रोटरी, वी आर प्राउड टू बी द रोटेरियंस। रोटरी गॉट फोर एवेन्यू ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट वन इज क्लब सर्विस, सेकंड इज वोकेशनल सर्विस, थर्ड इज कम्युनिटी सर्विस एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल सर्विस। मंथ ऑफ अक्टूबर जो अब स्टार्ट हुआ है, ये इट इज सेकेंड एवेन्यू मंथ विच इज वोकेशनल सर्विस। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी दैट ईच रोटेरियन हैज टू रिप्रेजेंट द डिग्निटी एंड यूटिलिटी ऑफ वंस वोकेशन एज अपॉर्चुनिटी टू सर्विस सोसाइटी। रोटेरियंस प्रमोट एंड फोस्टर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड प्रमोट द रिकग्निशन ऑफ द वर्दीनेस ऑफ ऑल यूजफुल ऑक्यूपेशन। रिगार्डिंग वोकेशनल सर्विस, फर्स्ट थिंग कम्स इज फोर वे टेस्ट। हम सबको फोर वे टेस्ट के बारे में इल्म है। देखा यह गया है कि जहां भी फोर वे टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, उन मेंबर्स की, जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको समझते हैं, अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, उनके पर्सनालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। फोर वे टेस्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1932। द सिंपल एंड स्ट्रेट वर्ड फोर वे टेस्ट वॉज रिटन बाय शिकागो रोटेरियन हॉबर्ट जे टेलर। फर्स्ट थिंग फोर वे टेस्ट में, इज इट ट्रूथ, देन इज इट फेयर फॉर ऑल कंसर्न, विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप, विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न। ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर तमाम रोटेरियंस की लाइफ मोहित है। फर्स्ट इज इट ट्रूथ। When you ask yourself this question, you are asking yourself if what you are about to say is honest. It's not easy thing. फिर भी अगर हम कोशिश करें कि हम इस principle को इस्तेमाल करें हर चीज में, कि जब भी हम ये देखें कि क्या ये सच है, कोई काम करने से पहले, कोई बात बोलने से पहले, तो डेफिनेटली हमारे काम भी बेहतर होंगे, हमारी बातें भी बहुत बेहतर होंगी। सेकंड प्रिंसिपल इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न। व्हेन समथिंग इज फेयर, इट इज फ्री फ्रॉम बायस, डिसऑनेस्टी, इनजस्टिस। आई ऑलवेज ट्राई टू बी फेयर टू एवरीवन because I never know who I might see again in my future. क्योंकि हमें यह भी देखना है कि हम आज अगर किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो शायद हमें दोबारा मौका ना मिले उसको अमेंड करने का। तो इट इज बेटर कि जब भी हम कोई काम किसी के साथ किसी तरीके का करें तो उसको ये जरूर सोच लें कि आया इज इट फेयर फॉर ऑल द कंसर्न। देखा यह गया है कि हम खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, कि हम किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए अपने रिलेशन की वजह से दूसरे के साथ ज्यादती करते हैं, जिसकी वजह से तमाम कौमें सफर करती हैं। आज जो हमारे मुल्क में ये बदहाली है, ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये नेशनलिज्म बिल्कुल खत्म हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं ये समझता हूं कि मैं जो कर रहा हूं अगर मैंने अपने बच्चे के लिए करना है तो सारी दुनिया एक तरफ, मुझे अपने बच्चे के लिए वो करना ही करना है, चाहे उस काम से किसी को कितनी प्रॉब्लम हो, किसी को कोई नुकसान हो, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो, किसी का मैरिट डिस्टर्ब हो, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे अपने बच्चे को, अपने रिलेटिव को, अपने किसी रिलेशन को ओब्लाइज करना है और मैं उस काम को कर लेता हूं। वेयर एज जो डेवलप्ड कौमें हैं, जो अजीम कौमें हैं, जैसा कि हमारे मुल्क को बनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म साहब ने फरमाया था कि ये एक जिंदा कौम है, ये एक अजीम कौम है, तो उस वक्त में शायद
माजरत के साथ हम लोग वैसे थे, आज नहीं है. सो मैं इस प्रिंसिपल को इस तरह रिलेट करता हूँ कि हमें सबको चाहिए है कि हम जितना ज़्यादा मुमकिन हो अपने रोज़मर्रा जिंदगी में भी इस प्रिंसिपल को ज़रूर अडॉप्ट करें. द थर्ड वन इज विल इट ब्रिंग गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप. Goodwill and better friendship are basically the same thing. They both have to do with making friends and improving your relationship with friends. Ye hamare ek Rotarian ne quote kiya hai. My mom has always explained to me that I don't have to be best friends with everyone, but I do have to be nice and friendly to everyone. So हमारा मोटिव शुड नॉट बी दिस टू मेक द बेस्ट फ्रेंड. आर मोटिव शुड बी दिस दैट वी शुड बी नाइस एंड फ्रेंडली टू एवरीवन. इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके ट्रस्ट मी आई पर्सनली फील कि हम मुआशरे में अपने दोस्तों में अपनी इज्जत बढ़ाएंगे. द लास्ट वन एंड द बेस्ट वन इज विल इट बी बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न. This is the fourth principle of four-way test. When something is beneficial, it is helpful. The best example of saying things that are beneficial to other is to use the old phrase my kindergarten teacher would say. If you don't have anything nice to say, don't say anything to all. जैसा कि बुजुर्गों ने कहा कि अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो इट इज बेटर कि आप बात ना करें, आप चुप कर जाएं, सुनते रहें. सो थैंक यू वेरी मच पेशेंस लिसनिंग. मैं ये समझता हूँ कि जब से मुझे चूंकि रोटरी में 20 इयर्स प्लस नाउ, आई एम प्राउड टू बी द मेंबर ऑफ दिस रोटरी क्लब रावलपिंडी फॉर द लास्ट 20 इयर्स. अल्हम्दुलिल्लाह द डे आई कम वी हैव सीन दिस फोर्थ वे टेस्ट एंड आई ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट as much I can. Maybe I have adopted these four principles in just percentage of it, but it helps me a lot to prove myself to be a better person. Thank you very much. Thank you.